एक मेरा सवाल है आपसे, एक कॉमन सेंस का, लड़की की कौन सी चीज है जो 24 घंटे गीली रहती है? इट्स अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। बताएं बताएं मिस, बताएं। आप टीचर हैं ना, मेरे स्टूडेंट हूँ, मेरा सवाल है। मैं ये पढ़ाने नहीं आती यहाँ पे। तो ये कॉमन सेंस का सवाल है, जबान गीली रहती है, लड़की हो या लड़का हो गीली रहती है। आपको इतना नहीं आता भाई? जब तुमको करोना हुआ तुम ये मुंह छुपा के क्यों बैठे हो क्वारंटीन में? हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का प्रैंक हम लोग करने वाले हैं, क्लासरूम प्रैंक। आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने वाला नहीं था क्योंकि ये प्रैंक जो है ना, सबसे पहले पाकिस्तान में मेहरान हाशमी लेकर आए हैं, तो उनका एक कॉन्टेंट है, उनका आइडिया है, तो मैं नहीं चाह रहा था कि मैं भी बनाऊँ। लेकिन आप लोग मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे थे, तो मैंने सोचा बना लूँ, आप लोगों की बात रद्द नहीं कर सकता। तो अगर इस वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पांस आया तो मैं इसका पार्ट टू जरूर बनाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं वीडियो के बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जो आज का हमारा मज़मून है, हमारा स्कूल। आ जाओ आ जाओ, ये ले ये ले। क्या हुआ? कौन हो भाई तुम लोग, किस तरह से अंदर आए जा रहे हो? हम लोग स्टूडेंट है ना, वो बाहर मासी को झाड़ू लगा रही है तो उसकी धूल से नाक खराब हो रही है, मेरे को सांस की प्रॉब्लम है ना। तो बंदा नॉक करके आता है ना, आप लोगों को मैनर्स नहीं है? दरवाजा ही नहीं है, नॉक कहाँ करें, हवा में? हवा ही है ही नहीं दरवाजा। दरवाजा तो लगा है स्कूल में। ज्यादा बोलो मत, जल्दी बैठ जाओ। चलो बैठ तो हम जाए, लेकिन पढ़ाएगा कौन? मैं आपको यहाँ नजर नहीं आ रही हूँ। आप टीचर हो? आप टीचर हो? ये गलत फहमी कब होगी आपको? जाके बैठ जाए, ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं। आप लोग यहाँ पढ़ने आए हैं, खेलने नहीं आए? समझ में आप पढ़ा लेंगे हमें? तो आप खेलते नहीं हैं? लगता नहीं आप पढ़ा सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि आप पढ़ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है घर में एक जगह पड़ी रहती होंगी ये पूरा दिन। आजा आजा, चलो बैठना का है, डेस्क पे ना, कहीं भी जगह मिल जाए, बैठ जाइए। चलो चलो चलो, कौन सा तरीका है? मैं तमीज से भी बात कर लेंगे। मेरे दूर की नजर कमजोर है, मुझे करीब से देखना है पढ़ाई को भी। चले बच्चे, मैं क्या बोल रही थी, हमारा स्कूल नहायत ही घटिया स्कूल है। हमारे स्कूल से हमें आज तक कुछ भी नहीं सीखा, हमने जो सीखा बाहर दुनिया से सीखा। आप लोग आए हुए दिन ही कितने हुए हैं? हम तो पहले भी स्कूल में पढ़ चुके हैं। तो मैं इस स्कूल की बात कर रहा हूं। ये इतना कचरा पड़ा, गेट भी नहीं है यहाँ पे स्कूल में, क्या हमारा स्कूल? क्या हमारे स्कूल में गेट नहीं है नीचे लिखे हम? यार ये पढ़ा लेंगी हमें, मुझे तो अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं लग रहा। आप एक बात बताइए, आप पढ़ाने कैसे आई है? ऐसे आती टीचर्स, आपको देख के इंस्पायर होंगे, ये लोग एक्सपायर हो जाएंगे। इसको देखो, उसके मुंह से गुर्बत इतनी छलक रही है, बोतल भी बाहर कचरे से उठा के आया, उसमें पानी भरा हुआ है। और इंग्लिश बोल रहा है, उर्दू का सब्जेक्ट चल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, अफ्रीकन लग रहा है मुंह से, वकांडा के जंगलों से आया ऐसा लग रहा है। इसने यही सीखा, ऑफकोर्स ऑफकोर्स आगे कोई आया था जो सिखा देगा इसको, ऑफकोर्स। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप ही बोले और मैं सुनू। हमारे स्कूल, दूसरों का स्कूल कब होता है यार? ऐसा कोई मजबून है दूसरों को? नहीं नहीं, स्कूल तो हमारा ही होगा ना, तो लिखा क्यों है? ये टीचर की थोड़ी नफसियात का मसला। पता नहीं कैसे लोग आ जाते हैं पढ़ने, ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं, आप पढ़ाएं। ऐसे कैसे लोग पढ़ाने आ जाते हैं, हम तो ये देख रहे हैं। पूरे पैसे दिए, आप अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। आपको बहुत आता है पढ़ाना? मुझे बहुत आता है। चले क्या है, पहले आप पढ़ाएंगे? आप पढ़ाएं तो सही, सिखाएं ही नहीं। आप पैसे किस चीज के लेती है? पढ़ाने के लेती है ना। आप पैसे किस चीज के देते हैं? पढ़ने के। मैडम मेरा लेकिन यहाँ पर तो फिलहाल एक मेरा सवाल है आपसे, एक कॉमन सेंस का, लड़की की कौन सी चीज है जो 24 घंटे गीली रहती है? गुड क्वेश्चन, इट्स अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। बताएं बताएं मिस, बताएं। आप टीचर हैं ना, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा सवाल है। आप मुझे बता दें। आप टीचर हैं ना, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ, लड़की की कौन सी ऐसी चीज है जो 24 घंटे गीली रहती है, ये मुझे बताएं आप। मैं ये पढ़ाने नहीं आती यहाँ पे। तो ये कॉमन सेंस का सवाल है, जबान गीली रहती है, लड़की हो या लड़का हो गीली रहती है। आपको इतना नहीं आता, इतना नहीं आता आपको? जो आप मुझे, आपका माइंड कहीं और तो नहीं? मैंने तो बोला, जबान किसने बोला? नहीं आपको, आप लोगों को पढ़ना आता है, पढ़ाना आता है? मैं हाँ पढ़ाऊंगा आपको। नहीं नहीं अभी नहीं, पहले आपको कुछ आया नहीं था। और क्या पढ़ाएंगे? ओ जाहिल फिलोसोफर, तू पीछे बैठ के बकवास क्यों कर रहा है इंग्लिश में? इसका मुंह कारपेंटर जैसा नहीं लग रहा? इसका बोले जा रहा है निप्पल के मुंह, इसका मुंह ना ज्यादा जल गया, ज्यादा थोड़ा सा जलाते ना, हल्की हल्की आंच में रखना तो तेज हो गई। इसको पढ़ाया आपने? मैडम आपके जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं उनसे किसी से पूछो, ये बच्चा मुझे शरीफ लग रहा है थोड़ा, तब से जब से शरीफ चुपचाप बैठा ही हुआ है, पता नहीं जिंदा भी है या नहीं। मैं तो छपरी हूँ, मैं यहाँ आ रहा हूँ, रोडों पे बैठता हूँ, मेरी टेंशन नहीं है। वो घर वालों ने स्कूल भेजा, मुझे नहीं पढ़ना, ये मुझे लाया दोस्त भाई, मेरे को नहीं पढ़ना। नहीं नहीं पढ़ाएंगे,
कि कौन है ये जाहिल, कौन है ये इंग्लिश इंग्लिश कर रहा है, उर्दू के सब्जेक्ट में इंग्लिश बोल रहा है, इसको सिखाओ ना कुछ। आपने आप एक बात बताएं, आपने ऐसे स्टूडेंट बैठा इनको देख के डर नहीं लग रहा आपको? खौफ नहीं आता? आधी रात में नींद कैसे पूरी हो जाती है? ये शक्ल नहीं आती आधी रात में? अच्छा मिस, मेरा एक सवाल है। मेरा भी। टू बनता तो टू होता है, टू 200 सा क्या होता है? जल्दी बता दे मिस, देखिए देर नहीं करें। आपको नहीं पता? आप बता दे मुझे। मुझे तो पता है। अच्छा बताए। 200 सा 400, देखिए मुझे आता है। आपको कुछ नहीं आता मैडम, आपको कुछ नहीं आता। आप लोग तो वही यहाँ पर बोले जा रहे, आप जैसा पढ़ा रही है ना, ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, देखो ये इनको कुछ आ ही नहीं रहा, ये सब बैठे हुए पीछे, वो किताब लेके, वो सस्ता हैरी पॉटर किताब में घुसा हुआ है, वो जादू सीख रहा है, जादू सीख रहा है वो, कुछ तो सीख रहा है कम से कम। आप लोग मुझे किताब दिखाओ। किताब भाईजान, मेरे पास किताब भी नहीं है। तेरे पर तो अकल भी नहीं है। मैं एक भाईजान, भाईजान मैं एक बात कहूँ, ये क्या लिखा है ये मुझे पढ़ के बता दे, क्या लिखा हुआ ये? हाँ भाई पढ़ के बता दे क्या लिखा हुआ है। ऑफ कोर्स आप लोग खामोश होंगे? श्योर। मैडम गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हें बहुत पढ़ाना आता है? मुझे क्या पढ़ाओ? नहीं पढ़ाने, हमें नहीं आ रहा पढ़ने। मुझे तो कुछ भी नहीं आता, आपको ही आता है। आज बुला रही है आपको, बुला रही है आपको। मेरा एक सवाल है आपसे, एक सवाल है, एक सवाल है मुझे। अगर इंग्लिश में अगर मुझे किसी लड़की को बोलना मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो कैसे कहेंगे इंग्लिश में? कैसे कहेंगे उसको इंग्लिश में? कैसे कहेंगे? बताए ना मिस, आप तो ये गलियों में घूमते हैं, आपको ज्यादा मैं नहीं, ना इंग्लिश नहीं आती ना मुझे, उर्दू आती। मैं तो उर्दू में जाके बोल दूंगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सामने से सेंडर मार देगी। इंग्लिश में बोलूंगा ना तो कूल लगेगा शायद, वो बोले हाँ ठीक है। ऐसा क्या क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मेरा तो तब भी ख्याल है कि आपको तब भी चमाटे ही पड़ेंगे। नहीं क्यों, इस तरह से कौन बात करेगा, कौन प्यार करेगा? कहने वाले भी कौन प्यार करेगा, लेकिन करेंगे। अच्छी दिल की लड़कियां भी पाई जाती है दुनिया में। बोलो ना आप करोगे प्यार? आप प्यार नहीं, मैं इनको सही है। हाँ सही है पर नॉलेज की कमी है, वो आता है ना। हाँ मैं सिखाऊंगा, रात को मेरी अलग क्लास चलेगी स्कूल की। हाँ वो वाली क्लास सिखा देना, मैं सिखाऊंगा। टीचर मैं आपको एक बात कहूँ, आप अपना टाइम या स्कूल में वेस्ट कर रही हैं, आप मेरे साथ चलें। ये कोई नहीं पढ़ेगा, इनके मुंह तो देखो ये पढ़ेंगे। लेकिन ये लोग नहीं पढ़ सकते, इनमें मसला, इनमें काबिलियत नहीं है। भाईजान तुमको करोना हुआ, तुम ये मुंह छुपा के क्यों बैठे हो क्वारंटीन में? पढ़ने नहीं आता? पढ़ने नहीं आए? ये पढ़ने नहीं आया, ये क्या आम लेने आया? टाइम पास करने आए हो आप लोग भी? इनके साथ इसी तरह की बातों में लग गए। अस्सलाम वालेकुम। अरे सुन बेटा, आप भी हो, बता ही नहीं। मुझे कसम से नहीं पता मेरे साथ कोई जिंदा इंसान बैठा हुआ, अभी पता चला। ये देखो ये बच्चा, अच्छा उर्दू का सब्जेक्ट चल रहा है, उर्दू की किताब की तरह फालतू की बकवास नहीं करता है ना, इसीलिए आपको लग रहा है कि बस मैं ही इस दुनिया में। आपको लगता है मैं बकवास करता हूँ? बिल्कुल सही लगता है आपको। सही सही सही। और भी है पीछे से आवाजें आ रही है थोड़ी थोड़ी। मैं भी हूँ। अरे इसका कुछ करो यार भाई, तुम क्यों दुनिया में क्यों आयो, मकसद क्या है? किसी की फरमाइश में आये हो? तुम दुनिया में क्यों आए मुझे बताओ। एक मिनट, ये क्या पेट्रोल के लिए निकाली है? ये बोतल इसने बाइक से चुराई है, मैं समझ गया इसका मसला, मैं समझ गया क्यों आए। अरे यार मूंगफली बैठ जा, ज्यादा गुस्सा नहीं, सेहत के हिसाब से गुस्सा करते, बैठ जाओ, ज्यादा चिल्लाना नहीं। भाई जान हमने फीस दी है ना, कैसे किस आ रहे, क्या मतलब? आपने फीस दी, हमने भी दी है। आपको जाना है, आप जो पढ़ने के लिए आते हैं ना, तो हम क्या करने आए यहाँ पे? कलेजी बेचने आए, हम भी पढ़ने आए। कलेजी से याद आया, कलेजी से याद आया, इसका मसला मैं समझ गया। मैं आपको बता रहा हूँ मैडम, इसके साथ हुआ क्या? आप मुझे बताओ, आप पैदा हुए या मछली के जाल में फंसे हो? दोनों। नहीं पैदा तो नहीं हुए आप, अब दुनिया में आए क्यों, मकसद क्या है आपका? ये ठीक करना, आपके देख से भी टूटी हुई। ये हादसा था एक, ये वो कहते हैं ना खूबसूरत हादसा, ये बदसूरत हादसा है, बदसूरत हादसा है ये हमारी जिंदगी में, ये अजाब हुआ है, इसको निकाला मैंने। आप कहती हैं तो खामोश हो जाता हूँ, मैं लड़की मुझे समझाती, मुझे बात समझ में आ जाती है, मैं बचपन से कमजोर हूँ इस मामले में। मिस आप पढ़ाएं ना, हमारा टाइम वेस्ट कर रही हैं आप, पढ़ाएं प्लीज, पढ़ाएं प्लीज, क्लास को आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है आपसे, एक सवाल है, सवाल मेरा यह है कि इट्स अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ से पढ़ के निकलूं मुझे नौकरी मिलेगी? ये तो अच्छा सवाल, ये तो मेरे काम का सवाल। ज़बान कंट्रोल में होगी तो ज़रूर। ज़बान कंट्रोल में होगी तो मार्केटिंग कैसे करूंगा मैं, तो बाहर जाके बेचूंगा प्रोडक्ट, ऐसी प्रोडक्ट जो लड़कों के काम आए जिंदगी में। मुझे नहीं लगता ये अगर पढ़ाएंगी तो मुझे अपनी कश्ती डूबती हुई लग रही है। ये नहीं पढ़ा सकते, पंचर वाले का काम करेंगे हम लोग अगर ये पढ़ाएंगे तो।
आप तो पढ़ाए सही से पढ़ाए ना, पढ़ाई नहीं रही है। आपको बहुत सही है, 15 मिनट से आए मैं, कुछ पढ़ने की बात करी उन्होंने, पढ़ने की बात ही नहीं, फालतू बातें हो रही है। लिखा हुआ हमारा मजमून आगे बढ़ी नहीं रहा, हमारा आगे पढ़ा रही है, हमारा स्कूल लिखा है वहाँ पे, हमारा मजमून नहीं लिखा हुआ। आपका मुंह मजबून जैसा है ना, बीच में आ रहा है तो मैं मजबून समझा। आप जरा साइड में हो जाना, बात इसमें लॉजिक है, बात आप साइड में, उसको नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा। चलो हमारा मजबून लिखा है कि मजबून लिखते हैं अक्सर। आपकी नजर कमजोर है, मेरी नजर कमजोर है। आप सामने खड़ी, मैं खूबसूरत लोग देख के ना मैं महंगा हो जाता हूँ, मेरा मसला है, मैं आपको बता रहा हूँ, बचपन से प्रॉब्लम है। अरे यार इसको डालो, तेजाब की बोतल में डालो, इसको चुप करो यार। आप लोगों के साथ मजीद हो गया ये बदतमीजी, आपका मानना है? तो फिर आप खाली हमें ब्लेम कर रही हैं, आपके बदतमीजी हैं। हम तो कुछ कर ही रहे, 7 साल से पढ़ रहा हूँ, अभी तक कुछ समझ नहीं आया। पिछले 7 साल से इसी स्कूल में, जब दिमाग में भूसा भरा होगा तो कहाँ से समझ में आएगा। टीचर ये आपको ही आइए, आपके स्टूडेंट आपको बोल रहे हैं भाईजान, टीचर के बारे में तुमने एक अल्फाज ही बोला ना, ये स्त्री जैसा मुंह में फिर से प्रेस कर दूंगा। बता बच्चे हो तो फिर भी पढ़ा जा सकता है। हाँ ये बंदा अच्छा है, तो तुम अंबानी तुम्हारे बिजनेस चल रहे ठीक है। इस घुटने वाले मुंह पे कोनी मारूंगा, ये बता रहा हूँ मैं, पूरा मुंह इसका टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, मसला में समझ गया, मरगाट के मुंह जैसा हो जाएगा इसका। मसला में समझ गया हूँ, जिंदगी में परेशान। अगर बातें करनी है आप लोग बाहर जा सकते, तो आप पढ़ाएंगे तो हम बातें करनी है, बातें करनी है, हम बाहर जाते हैं, हम दोनों बातें करते हैं। चलो यार वो नंबर ले लेना, बाद में कर लेना, अभी क्लास चल रही है ना। अच्छा नंबर दे देना साहब इनको, बाद में बात कर लीजिएगा, अभी आप हमें पढ़ा दे प्लीज। हम चलते हैं कहीं चाय वाय पीते हैं, कॉफी ग्लोरी पहले से पढ़ा दे ताकि हमारा कोई मुश्तक नहीं, नहीं पीते है। चाय पीते हैं, मिल्क शेक चलते हैं, मूवी पे। आप जिंदा हैं कुछ तो खाती हूँ, पीती हैं मैं, खून पीती हैं। क्या हुआ एम्पायर हैं आप, खून के प्याले पी रही हैं रात को, क्या पीती हैं आप, वाइन पीती हैं, क्या लेती हैं आप, पढ़ाएं पढ़ाएं जी। अच्छा हम कुछ नहीं बोले, पढ़ाएं ओके भाई, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना, मैंने समझा दिया, पढ़ाएं अच्छा बच्चों, मैं पूछ रही थी हमारा स्कूल कैसा है। हमारा स्कूल खटारा है, कबाड़ी का माल पड़ा हुआ है, मुझे पता है, मुझसे पूछो इनसे, कि मुझे इनको नहीं पता, हमें डर लग रहा है। हाँ ये देखो बैठा है, कुछ बोलेंगे, आपको कुछ नहीं बोला हमने, आपको कुछ नहीं बोला, आपको कुछ नहीं बोला, आपको कुछ नहीं बोला, हमें क्यों बोल रहे हो बार बार अपनी शक्ल, अपनी शक्ल दी तुमने, शक्ल की बात की, अभी मैं इसके देखो थोड़ा आप पे आता हूं, देखो शक्ल की बात नहीं करो आप, शक्ल क्यों बोल रहे हो भाई, शतरमुर्ग के अंदर आपका बोल रहे, शक्ल की बात, पहली बात स्टूडेंट तो लगते नहीं हो आप लोग शक्ल से, आप आ गए यहाँ पर बिलावल क्लास, आप शक्ल से स्टूडेंट लगते हो, तो हम बैठे हुए ना पढ़ने के लिए, तो हम भी तो बैठे लेटे हुए क्या, तो क्यों बातें करे जा रहे हो, पढ़ो ना फिर आकर, तो पढ़ रहे हो अपना गुस्सा क्यों कर रहे हो, तुम क्या सस्ते टाइगर शो हीरो बन रहे हो, अभी मेरा दिमाग खराब हो गया, अभी मेरा दिमाग खराब हो गया, बहुत हो गया, मैं इन सबको मारूंगा, दो बंदे आज गए, मैं इन सबको पीटूंगा आज, दो स्टूडेंट आपके गए, मैम ने अब्बू को बुला रही हूं, भाईजान तुम्हारा अब्बू बदमाश है, भाई हम पढ़ने आए ना, हमने आपसे कोई बात ही नहीं की, हम आपके साथ मुझे नहीं मानना प्लीज, अबे ओए काले अंडे, जिस तरह का बंदा है ना, अपने अच्छा किया उसको टूटी हुई डेस्क दी है, इनको ये पढ़ाएगा, ये टीचर है, आप बैठो, ये आपने बड़ा अच्छा काम किया यार, मैं मेरी बड़ी ख्वाहिश थी किसी खूबसूरत लड़की के साथ बैठूं मैं, स्टूडेंट मैं टीचर, हाँ ठीक है, मेरे मैं एक ही को मौका है, सही से पढ़ेंगे, ठीक है ठीक है। अरे यार बड़ा मसला हल हो गया, वो राजधानी एक्सप्रेस है ना उसकी लाइटें खराब है, इसको आगे भागना है दांत दिखा के, ऐड करवाना है, हाँ क्योंकि मुंह देखो मुंह तो नहीं दांत ही चमक रहे सिर्फ, सही 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 बात, इसका काम है, हाँ इसका करवा दो, अभी कॉल करते हैं, भाई पढ़ाने आए हैं आगे, रे ओ ओ तो क्या हो गया, पढ़ने आए हैं मेरे यार, पीछे की बात करो, बदमाश हो गए तुम लोग, धक्का वक्का नहीं दे, बैठ आराम से, आराम से बैठ, आराम से, कौन है लाश है, इधर आके बैठ के दिमाग खराब कर रहे हो हमारा, ओए बैठो, ओए चले चल बैठ, सालो बैठो इधर, नहीं तुम लोग की ऐसी की भाई जान, नजर आओ बात सुनो, नाराज हूँ
यहाँ के जो प्रिंसिपल है ना, उन्होंने एक प्रैंक करवाया, हमने कैमरे फिट किए, मजाक कर। आप लोग बैठे, आप लोग बैठो यार। आप लोग पूरा माहौल हम पढ़ने आए हैं इधर। आप जो प्रिंसिपल है ना, उस्मान साहब, उन्होंने करवाया प्रैंक। हमने दोनों कैमरे पहले ही आप लोग के आने से फिट कर लिए थे, टीचर के आने से पहले ही। हम लोगों ने कैमरा लगाया, वीडियो बना रहे हैं, उस्मान भाई से पूछ के बनाया। टीचर अब जरा यहाँ मैं समझाऊँ, यहाँ बोले हम करते हैं मजाक। प्रैंक का चैनल है, यूट्यूब पे सर्च करना, इंशाल्लाह मिल जाएगा। अब सिर्फ आपसे एक इजाजत चाहिए, जो वीडियो बनाई है ये बड़ी मेहनत हुई है, अपलोड अगर कर दें तो। चलिए अगर आप लोगों ने मेहनत कर ही ली है तो आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आइंदा के लिए ख्याल करिएगा, स्कूल में जाएगा एहतियात करेगा। इसका भी क्वेश्चन क्या हो गया इसका? अभी भी तुम्हारा अभी हो गया, प्रैंक हो गया। नहीं, आप कहां पे अपलोड करोगे प्रैंक? यूट्यूब पे। यूट्यूबर है हम लोग ना। मैं भी यूट्यूबर हूं। नाइस टू मीट यू। ये पहला यूट्यूबर है जो मुंह के खिलाफ है। यूट्यूबर कौन सी चैनल का नाम तो बताओ ठीक से। हसन शेरवानी। अरसलान हसन हसन शेरवानी, वो जो शादी में पहनने वाली है। हसन शेरवानी को सब्सक्राइब करो भाई। और भाई आप सबसे दोबारा से माजरा चाहिए, अगर आप लोग भाई आपसे खास तौर पे आपसे सॉरी, आपको ज्यादा गुस्सा आया। एक दफा हाथ दिला दो, कैमरे में से हाथ दिलाओ। बोला चोल बोला सबको आसान है, सैद चोल बोला।